बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चरल बॉक्सेस ऑटोकैड कोर्स की वीडियो में आज हम सीखेंगे मेथड ऑफ एंगल लाइन इन ऑटोकैड, हाउ टू ड्रा लाइन विद एंगल इन ऑटोकैड एंड ऑटोकैड ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम एंगल लाइन कैसे ऑटोकैड में लगाते हैं बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके के साथ सीखेंगे, जो कि आपको एक मिनट से पहले समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं अपने ऑटोकैड को ओपन कर लेता हूं। तो करना क्या है जी आपने, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल के बटन को लाजमी दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए जी, सबसे पहले हमने करना है जी लाइन की कमांड देनी है। लाइन की कमांड आप यहाँ से भी दे सकते हैं और उसकी शॉर्ट की के साथ भी दे सकते हैं। लाइन की कमांड देने के बाद एल इंटर करना है। एल है तो एल इंटर करेंगे। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कहाँ से आप लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट या यहाँ से ऐसे ले लेता हूँ, जैसे मर्ज़ी आप लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, अब लाइन स्टार्ट करने के बाद अब आपने इसकी मेजर लाइन की पैमाइश देनी है जितनी भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 फुट रख लेता हूँ या 8 फुट रख लेता हूँ। 8 फुट रखने के बाद अब आपने इंटर नहीं करना, अब आपने क्या करना है जी, शिफ्ट दबा कर लेस देन का बटन दबा देना है। ठीक है, तो अब हमने शिफ्ट दबा के लेस देन का बटन दबाने के बाद अब हमने एंगल लगाना है कि आप कितने एंगल पे लगाना चाहते हैं। तो मैं जी 45 के एंगल लगाना चाहता हूँ, तो 45 करके इंटर कर दूँगा। तो ये देखिए जी, हमारा 45 का एंगल लग गया है। तो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ कि ये 45 का लगा भी है या नहीं लगा। तो करना क्या है जी, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ। लाइन ड्रा करने के बाद 10 और एक को लाइन ड्रा करता हूँ, ये हो गया। तो अब तो एंगल कैसे चेक करना है, एंगल यहाँ से डायमेंशन से आके यहाँ से एंगुलर सेलेक्ट करना है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो ये देखें जी, हमारा 45 का एंगल लग चुका है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, तो अभी हमने जो पैमाइश लिखी थी वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये हमने 8 फुट की रखी थी, तो मैं यहाँ से आके अलाइन, तो ये देखें जी, ठीक हो गया। अब फिर से मैं आपको यही इसी पॉइंट से मैं आपको और कोई एंगल लगा के दिखाता हूँ। तो एल कर दिया, यहाँ से स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर कर दिया, 8 फुट कर दी उसकी लेंथ, शिफ्ट दबा कर लेस देन, पहले 45 का लगाया था, 45 का लगाया था। तो अब हम मैं आपको 90 का लगा के दिखाता हूँ। तो 90 करके इंटर कर दूँगा तो और कमांड से बाहर आ जाऊँगा। तो ये देखें जी, 90 के एंगल पे ये मेरी लाइन लग गई। ये तो देखें आपने एक मिनट से पहले बहुत ही ईजी तरीके के साथ ये सीख लिया। तो अब मैं इसका आपको एंगल चेक करके बताता हूँ। ये देखें जी, डायमेंशन एंगुलर से इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करके, तो ये देखें जी 90 का एंगल, ये देखें जी 90 का एंगल बन गया है। तो ये थी एंगल की कमांड, मेथड ऑफ एंगल लाइन इन ऑटोकैड, बहुत ही सिंपल तरीके से और एक मिनट से पहले आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल के बटन को लाजमी दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।